ले जाने का मजा भी कुछ और है। तो ये कुछ स्कूल का नजारा और आई गाड़ी कहाँ के लिए लगी है गाड़ी? देहरादून के लिए। देहरादून हेलो दोस्तों, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो फिलहाल जंगल का रास्ता तय किया जा रहा है और आज मेरी तैयारी है राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरोड़ा के लिए, जहाँ पे वार्षिकोत्सव आज हो रहा है। तो इनविटेशन था वहाँ से, तो मैं भी अभी जा रहा हूँ जंगल के रास्ते। तो दोस्तों, मरोड़ा क्षेत्र में ही मंगलेश्वर महादेव का, मंगलेश्वर भैरवनाथ का मंदिर है और ये मंदिर का गेट है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे जंगलों के बीच में जो है मंदिर है और काफ़ी प्यारा मंदिर है। इच्छाएँ पूर्ति होती है यहाँ पे भी। फिलहाल मैं रास्ता ही खोज रहा हूँ क्योंकि पहली बार मैं आज आया हूँ यहाँ पे और इतना मुझे जानकारी है नहीं रास्ते की। मेन वाला मंदिर जो है दूसरी तरफ को है और वो थोड़ा बड़ा मंदिर है, वहाँ पे झंडे भी ज़्यादा लगे हुए हैं और घंटियाँ भी ज़्यादा लगी हुई हैं। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है दूसरा वाला, जो मेन मंदिर है मंगलेश्वर महादेव का। तो रमनाली जो है हाल ही में वहाँ पर मूर्ति स्थापना होनी है, वह मूर्ति खंडित हो गई थी और मूर्ति की स्थापना वहाँ पर 28 या 29 तारीख को है। तो जंगल में आते ही बहुत शांति मिलती है और काफ़ी शांत माहौल यहाँ पे है और अकेले जाने का मज़ा भी कुछ और है। सोच रहा था कि स्कूल काफ़ी दूर है शायद में, पर दूर नहीं है, काफ़ी करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है पैदल का और यहाँ पे जो है स्कूल है। तो आप देख सकते हैं स्कूल का कैंपस है, चारों तरफ से बाउंड्री है और बच्चे बैठे हुए हैं। पूरी तैयारियाँ जो है हो चुकी है एनुअल डे की और एनुअल फंक्शन की। तो एक कई बार जो है पूरा स्कूल दिखाते हैं, पूरे स्कूल का वॉक अराउंड दिखाते हैं एक बार। फिर आज के कार्यक्रम जो है काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, तो देखते हैं किस हिसाब का रहता है आज के कार्यक्रम। तो ये कुछ स्कूल का नज़ारा और ये स्कूल का छोटा सा ग्राउंड, इसी के ऊपर जो है इंटर कॉलेज भी है ऊपर इस धार में, ऊपर वाली धार में। और काफ़ी अच्छा कैंपस है स्कूल का और काफ़ी शांत वातावरण भी है यहाँ का और पूरी तैयारियाँ जो हैं चल रही हैं अभी और बच्चे जो हैं फुल मज़े में आज के दिन। मतलब कहाँ की गाड़ी, कहाँ के लिए लगी है गाड़ी? देहरादून के लिए। देहरादून के लिए, चलो चलो लेट हो गई लग रहा है। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं स्कूल के कैंपस में और यहीं पे जो बच्चों के खेलने के जो सामग्री होती है ना, खेलने का जो स्थान होता है वो भी यहाँ पे है और टॉयलेट शायद यहाँ पे हैं और ऊपर मेन जो स्कूल का प्रांगण है ऊपर है जहाँ पर आज कार्यक्रम होने हैं। और कुछ ताऊजी लोग और भाई साहब लोग जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं खाना बनाने में। नमस्कार, लगेज लगेज। और एक भाई साहब यहाँ पे भी अपने जो खाने की तैयारी कर रहे हैं लगे हुए अपने काम पे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक है सर, जबरदस्त जबरदस्त। और कुछ तैयारियाँ जो है यहाँ को भी चल रही है और कुछ देर बाद जो है 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाले। नमस्कार, बढ़िया पहुँची, आप पहुँच गए, बढ़िया क्या चल रही तैयारी? बढ़िया प्रोग्राम, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार जी, बढ़िया। एक बार आपको स्कूल का पूरा कैंपस दिखा देते हैं, कहाँ से जो है स्कूल शुरू होता है, वहाँ से गेट है और यहाँ से पूरा एक वॉक अराउंड आपको देते हैं स्कूल का, ठीक है। तो काफ़ी सारे पौधे भी जो है यहाँ पे लगाए हुए हैं, पौधों का ख्याल भी रखा गया है बिल्कुल। और ये कूड़ादान भी यहाँ पर सफाई का जो है ख्याल रखा जाएगा पूरा। तो ये पौधे जो है लगाए हुए हैं, फूल के पौधे हैं कई सारे। और ये है स्कूल का कैंपस, देख सकते हैं आप लोग। तो फुल तैयारियाँ जो है अभी हो चुकी हैं और स्लोगन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी सारे यहाँ पर। हेलो बच्चों, ठीक हो? हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस बोल दो। अच्छा अच्छा, कैसे ले तैयारी? बढ़िया चल रही। तो ये है स्कूल का कैंपस, आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी अच्छी तैयारियाँ पे हुई हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं, कोई तैयारियाँ कर रहे हैं अपनी। और अरेंजमेंट आप लोग देख सकते हैं अभी कैसा हो रहा है। और ये मेन कैंपस है स्कूल का और ये बैठे हुए बच्चे। अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, धीरे धीरे करके गेस्ट भी आ रहे हैं और प्रिंसिपल मैडम भी आ चुकी है, यहाँ के जो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वो भी आ चुके हैं शायद में, और प्रधान साहब यहाँ के प्रेम सिंह रावत जी वो भी आ चुके हैं और ये हमारे हेमंत भैया यहाँ पे जो है
कवरेज कर रहे हैं आज के। हेलो, तो इनका फोटोग्राफी का काम है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट में आपको दे दूंगा इनका सारा फोटो स्टूडियो के एक्शन। बिल्कुल, तो बच्चे अभी चेयर बैठ के सारे के सारे देखो कुछ यहाँ पे सो गए देखो। तो अभी आपको मिलाते हैं यहाँ के प्रधान अध्यापिका जो कि यहाँ की कर्ता धर्ता आप बोल सकते हैं, श्रीमती रमा शाह जी। तो मैम पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित यहाँ पे करवाया, मतलब इस एरिया में जो है करवाना थोड़ा मुश्किल हो पाता क्योंकि ग्रामीणों का मिलना, साथ में सहयोग होना अकेले आदमी के लिए बहुत हैवी हो जाता है, लोड हो जाता है। इसके बारे में कुछ बताएंगे कार्यक्रम के बारे में, आज के बारे में? हाँ, मैं यहाँ पे श्रीमती रमा शाह प्रधानाध्यापिका और यहाँ पे जो ग्राम सभा है उन लोगों का मेरे साथ बहुत करीबी वो है, संपर्क है और अच्छा वो है हमारा गांव के साथ। गांव के सारे लोग सहयोग करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे करते हैं। इस समय भी सारे लोग खाने पे और सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और अच्छा सहयोग करते हैं गांव वाले यहाँ पे, जबकि मैं 5 महीने से यहाँ पे एकल अध्यापिका हूँ और एक ही अध्यापिका हूँ और सामुदायिक शिक्षिका है मेरे साथ एक, जो कि मेरा थोड़ा सहयोग करती है। और मेरे हस्बैंड रहते हैं यहाँ पे राज के प्राथमिक विद्यालय कुनेली में, वो भी प्रभाव के पद पे हैं और वो भी पूरे तन मन धन से पूरा सहयोग कर रहे हैं मेरा। मंत्री श्रीमती बबली सेंजवाल मैडम का आगमन हमारे बीच हो रहा है, श्री कुमेड़ी जी, श्री पुष्कर लाल दुप्तोला जी। यहाँ इस सभा में पहले से ही हमारे इस विकास खंड के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले नए पंचायत रिसोर्स पर्सन श्रीमान मनोज शाह जी यहाँ पर उपस्थित है। आपसे भी आग्रह है सर कि आप यथास्थान बैठने का कष्ट करेंगे। श्रीमान मनोज शाह जी हमारे बीच में संकुल समन्वयक और बहुत ही मधुरभाषी प्रिय व्यक्ति हमारे साथी श्रीमान दिगंबर नेगी जी अपने स्थान पर बैठ चुके हैं। विकासखंड गैरसैंण के क्रीड़ा समन्वयक श्री भागवत लाल कोठियाल जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। श्रीमती अलका शाह मैडम, श्रीमती सीता टमटा मैडम और श्रीमती सुषमा नेगी मैडम भी यहाँ पे विराजमान है। प्रमुख मुख्य अतिथि है, उनका आगमन जोरदार तालियों से आप सम्मानित प्रधानाचार्य जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे और उनका उनका खैर मकदम स्वागत है। उन दोनों से आग्रह है कि कृपया आप मंच पे पहुंचने का कष्ट करेंगे। सबसे पहले आपका बैच अलंकरण किया जाना है और एक बहुत बहुत स्वागत करते हुए आग्रह करना चाहूंगा विद्यालय परिवार से कि आप अपनी स्वागत समिति की सदस्यगणों से उनका बैच अलंकरण करने का कष्ट करवाएंगे। साथ ही श्रीमती सरोज शाह जी जो सभासद हैं और नगर पंचायत गैरसैंण में एकमात्र महिला सभासद आप हैं, आपका यहां पहुंचने पर हम आह्लादित हैं। हमारी भोजन माता ने ब्लॉक स्तर पर जो पाक कला प्रतियोगिता हुई थी उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, तो ये निश्चित रूप से गौरव वाली बात है हमारे विद्यालय के लिए, आगे के लिए श्रीमान जेपी डोंडियाल जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हो रही है और बच्चे जो हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं। सबसे पहला कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत है सरस्वती वंदना।
होंगे अपने स्थान पर। तो ये महिला मंगल दल मरोड़ा और समस्त स्वागत समिति प्रधान अध्यापिका महोदय उनके आगवानी में इस समय मौजूद है उनके साथ। तो मैं स्वागत आप देख रहे हैं समस्त यूट्यूबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कैमरों में इन पलों को कैद कर रहे हैं। उनके टीम के कोई एक प्रतिनिधि इस समय आप देख रहे हैं श्रीमान रमेश सौर्याल जी को, श्री हरीश साह जी और अन्य सदस्य जो स्वागत समिति का जो वहाँ की छात्र संख्या कम हो रही है तो एक दिन जरूर सारे लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में ले जाएंगे और हम लोग अपना अथक प्रयास भी करते हैं। मैं जितना सहयोग बन पाता है हम लोग करते हैं कि अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजिए। आज वहाँ पे इंग्लिश अंग्रेजी के माध्यम से वहाँ पे पढ़ाई हो रही है। बच्चों की जो खेल जो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है उसके लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन अब हमें खुशी भी हो रही है कि लोग जो एक बार चले थे कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा वो धीरे धीरे फिर अपनी प्राइमरी स्कूल की तरफ पे जो उन लोगों का आना हो रहा है तो एक बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पर चार या पांच महिला मंगल दल इस समय विराजमान है। मैं प्रणाम करना चाहूंगा महिला मंगल दल मरोड़ा को, महिला मंगल दल तल्लागांव को, महिला मंगल दल रसोईगाड़, महिला मंगल दल खुनेरी लगा सल्याणा, महिला मंगल दल कालीमाटी और मेरे प्यारे बच्चों, ये मंच सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंच नहीं है बल्कि ये मंच एक प्रगति का मंच है। Oh.
कार्यक्रम हो गए, बड़े बड़े धांसू धांसू कार्यक्रम हो गए आज के दिन में, और 15% जो दूसरी बैठी मेरी बच्ची हुई है वो भी बंद होने वाले हैं। तो अब जो है ज़्यादा शुरू में जा नहीं पाऊँगा, और मेरे को मेरे क्लासमेट यहाँ पर मिलेगी। आती तो वो यहाँ पे पढ़ाती थी पहले, पूर्व में यहाँ पे करती बोलते बहुत सारे भाई लोग हैं व्यवस्था में लगे थे, सबके साथ यहाँ पे सबको सेवा कर रहे हैं, खाना पिलाने में, खाना खिलाने पिलाने में। चलिए हम भी खाना खा लेते हैं पहले। विद्यालय के लिए इस मंच से जो फंड की बात की थी मैडम ने, तो 2 लाख की घोषणा करती हूँ और पूरे विद्यालय परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और जो यहाँ पे मैडम ने अतिरिक्त कक्ष की बात की, तो मैं तुरंत तत्कालीन इसी जिला योजना में आदरणीय सीएम जो हमारे शिव साहब हैं उनके सम्मुख रखूंगी, और आदरणीय मैडम मुझे यहाँ से लेटर देंगी। और ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और एक बार इंद्र भगवान को प्रणाम करते हुए कि इंद्र भगवान सुबह मैडम का मुझे फोन आया कि मैडम मौसम खराब हो रहा है। मैंने कहा मौसम नहीं होगा खराब, तो अभी तक भी मौसम ने हमारा साथ दिया है। अपनी वाणी को विराम देते हुए सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती। बंद हो चुका है, फोन भी बंद हो चुका है, और यह है आरती का फोन, उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो अपलोड हो जाएगी जब तक मस्त वीडियो बनी है, आप लोगों को मजा आएगा बिल्कुल।
अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर देना, ठीक है।